नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोज़ की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग में। कंपनियां अपने मुलाजमीन को काम की जगह पर जाहिरी अलामत के तौर पर किसी भी मजहबी, सियासी या नजरियाती अलामत के इस्तेमाल से रोक सकती हैं। फैसले में ये भी कहा गया है कि कंपनियों की जानिब से किसी भी फैसले से पहले मुलाजमीन के हुकूक और आज़ादी, मजहब का ख्याल रखते हुए मुल्की कानून साजी को भी मद्देनजर रखा जाएगा। अब इस सारे फैसले का लुब्बे लुबाब क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों ये डिसीजन हुआ और अब इससे आगे आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे वहाँ की कंपनीज पर और मुसलमानों पर या जो भी शख्स अपना एक रिलीजियस फ्रीडम जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे साथ बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं अथर काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम अथर साहब। अथर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अथर साहब, ये बताएं इस फैसले तक ये मतलब ये फैसला हुआ कैसे, ये क्या कोई कॉन्टेक्स्ट था, तो जरा प्लीज हमारे नाजरीन के लिए भी एक्सप्लेन करें कि ये क्या मामला चल रहा था अदालत में और ये फैसला कैसे हुआ। जी, ये जर्मनी में दो खवातीन नौकरी कर रही थी, जब उन्होंने अपनी जॉब्स शुरू की उस वक्त वो हिजाब नहीं पहनती थी, बाद में कुछ बरस बाद उन्होंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया, जिस पे उनके एम्प्लॉयर ने उनको कहा कि आप काम के ऊपर हिजाब नहीं पहन सकती हैं, हम इसकी इजाज़त नहीं देते किसी भी किस्म के रिलीजियस सिंबल की। तो फिर वो ये मसला कोर्ट लेके गई और जब कोर्ट के यूरोपीय यूनियन की आला अदालत तक ये मसला पहुँचा तो फिर उन्होंने अब ये फैसला दिया है कि अगर कंपनीज चाहें तो वो लोगों को रोक सकती हैं, जिस तरह आपने भी एक्सप्लेन किया कि किसी किस्म की भी मजहबी या सियासी अलामत पहनने से। तो इससे ना सिर्फ मुसलमान ख्वातीन मुतासिर होंगी बल्कि जो दीगर मजाहिब के लोग हैं उनको भी इस हवाले से तहफ़ुज़ात हैं। तो अथर साहब, फिर इस फैसले को किस तरह देख रही है वहाँ की आबादी, क्योंकि वो तो बड़ा फ्रीडम में बिलीव करते हैं और वो कभी कभार बल्कि अक्सर औकात हमें भी एडवोकेट कर रहे होते हैं फ्रीडम के हवाले से, लेकिन वहाँ पर अगर ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी को नहीं इफेक्ट करेगा और बाकी भी दीगर मजाहब की कम्युनिटीज़ को इफेक्ट करेगा तो फिर उन सब का मिला जुला रद्द अमल अभी तक इस पर क्या आया है आपकी नज़र में? देखिए, ये वही चीज है जिसके हवाले से बार बार लोग निशानदेही भी करते हैं कि उनकी इस तरह लगता है कि एक तरफ अपनी मुल्क के अंदर दूसरी पॉलिसी है, जब वो दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करें तो वो दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे वो चाइना में क्रिटिसाइज करते हैं कि वहां पे मुसलमानों को आजादी हासिल नहीं है या किसी और मुल्क में मुसलमानों को आजादी हासिल नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि हालिया बरसों में यूरोप के अंदर भी मुसलमान ग्रुप्स और दीगर जो मजाहब के ग्रुप हैं, लेकिन खसूसन मुसलमान, ये शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कभी मसाजिद के ऊपर वहाँ पे सर्वेलेंस होती है, उनको नोट किया जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और अब एक जो बेसिक शख्सी आज़ादी माफ़ कीजिएगा आज़ादी है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सके, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। हालांकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अगर आप बरतानिया में देखें तो बहुत सारी ऐसी पुलिस फोर्सेज हैं जिसमें अगर आप सिख हैं आपको टर्बन पहनने की इजाज़त भी है, मुसलमान ख्वातीन को हिजाब पहनने की भी इजाज़त भी है, लेकिन यूरोप के कुछ ममालिक में ये हम कह सकते हैं कि खसूसन मुसलमान ये महसूस करते हैं कि उनकी शख्सी आज़ादियों को टारगेट किया जा रहा है। कहा तो ये जाता है कि इससे सब मुतासिर होंगे लेकिन मेजॉरिटी केसेस में मुसलमान मुतासिर होते हैं इसलिए। जी जी, बिल्कुल सही। ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगा अथर साहब, ये डिफाइन किस तरह करेंगे कि कोई भी चीज़ किसी मजहब से या किसी नज़रिए से जुड़ी हुई है? मजहब तो चलो फिर भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर किसी ने स्कार्फ पहना हुआ है तो वो जो है वो क्रिश्चियन भी हो सकती है और वो मुस्लिम भी हो सकती है, उसका मजहब उसको इस बात की इजाज़त देता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मूछें रख ली हैं और वो कहता है जी मेरी आज़ादी का जो नज़रिया है वो मेरा ऐसा है कि मैं उसकी बुनियाद पर यह मूछें रखता हूँ, या मेरा जो लिबरल फिलोसफी है वो मुझे कहती है कि मैं जीन्स पहनूँ या मैं शॉर्ट्स पहनूँ, तो क्या उस पर भी जो है वो पाबंदी लगा देंगे कि जी चूंकि ये नजरिया ऐसा है तो हम इसको नहीं प्रोपगेट करने देंगे? तो फिर डिफाइन कैसे करेंगे ये? जी, यही क्वेश्चन बहुत सारे लोग भी उठा रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, इसलिए कि अगर आप स्कार्फ पहनते हैं उसकी ये मतलब नहीं है कि जिस तरह आपने भी कहा कि वो सिर्फ मुसलमान पहनते हैं, क्रिश्चियन नंस जो होती हैं वो भी स्कार्फ पहनती हैं, उसके अलावा दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करना और यहाँ पर जो खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इसकी जो वेग इंटरप्रटेशन होगी
उससे फिर उन लोगों को टारगेट किया जाएगा, एम्प्लॉयर्स जिनको टारगेट करना चाहते हैं, और मुसलमान जो ग्रुप्स हैं यूरोप के अंदर वो इन तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन करके अब मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहां पे मुसलमान ख्वातीन एक फाल किरदार अदा कर रही हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हों। जीना तंग कर दो मुसलमानों का, और उसके बाद मुसलमान अगर कुछ कहें तो फिर आप कहो कि ये तो बोलते हैं, बस ये तो बोलते हैं, ये तो रेडिकल्स हैं, फंडामेंटलिस्ट्स हैं। अच्छा अतर साहब, ये बताइए कि अब वैसे तो बरतानिया ऑफिशियली और टेक्निकली ईयू से बाहर है, तो बरतानिया में इस पर क्या चहमगोइयां चल रही हैं? आप पॉलिटिकल वहां के जो लोग हैं उनसे भी रबते में होते हैं, वो लोग क्या किस तरह से देखते हैं इसको? वैसे देखिए मौजूदा हालात में ना, टू बी ऑनेस्ट, इतनी ज़्यादा टेंस सिचुएशन है, एक तो कोरोना की वजह से, उसके बाद इस केस का सामने आना। अब जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बरतानिया ईयू से बाहर निकल चुका है, लेकिन बरतानिया अभी भी बड़ी हद तक यूरोप का हिस्सा है, यूरोपीय यूनियन के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं, बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर के ऊपर है, तो जो चीज़ भी यूरोप के अंदर होती है उसका बराह रास्त असर पड़ता है बरतानिया में रहने वालों पर भी, तो वहाँ पर भी मुसलमान ग्रुप इस हवाले से तहफ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बरतानिया के अंदर इस किस्म की कोई सूरतेहाल नहीं है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि पुलिस के अंदर भी ऐसी ख्वातीन हैं जो हिजाब पहन के अपना ड्यूटी करती हैं, उसके अलावा अदालतों के अंदर ऐसी बैरिस्टर्स हैं, कानूनदान हैं ख्वातीन जो हिजाब पहन के जाती हैं और बेहतरीन वो काम कर रही हैं। तो बरतानवी सोसाइटी में उस तक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ऑल दो यहाँ पे मैं आपको मेंशन करता जाऊं कि कुछ अरसा कबल एक ऐसा केस आया था जहां पे एक क्रिश्चियन खातून को एक कंपनी ने काम करने से रोक दिया था, इसलिए कि उन्होंने क्रॉस पहना हुआ था और उनको कहा गया था कि आप ये क्रॉस पहन। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर बात कर रहा था, जो यूरोप है, यूरोपियन की कुछ कंट्री है, मल्टीनेशनल वहाँ पर कंपनियाँ हैं, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉय हैं उन पर किसी भी तरीके के रिलीजियस या किसी भी तरीके के जो ऐसे चीज़ें हैं जो उनके सिक्योरिटी को लेकर खतरा बन सकते हैं, उस पर लगा दिया है बैन, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक अजीब तरीके का हंगामा चल रहा है। पाकिस्तान, आपको बता दूं, मुस्लिम का कार्ड खेलकर सारी दुनिया का ठेकेदार बनने की कोशिश करता है। हालांकि ये वही पाकिस्तान है जो अभी तालिबान इतने लोगों को मार रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग सेलिब्रेट करते हैं कि आज तालिबान ने इतना कब्जा किया, आज तालिबान ने इनको मारा, इनका ये दोगलापन है। और आपको बता दें कि ये वही लोग हैं जो इंग्लैंड में कुछ हो जाए, कनाडा में कुछ हो जाए, तो ऐसे पागल भोंकते हैं ये लोग कि आप विश्वास माने कि आप इनको देख कर काफ़ी हंसेंगे। अभी कुछ दिन पहले तक फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में एक अजीब तरीके का प्रदर्शन चल रहा था, अगर आपने चैनल को फॉलो किया है मेरे तो आपने देखा होगा, ये लोग फ्रांस में एटम बम तक मारने की मतलब बात कर चुके थे, जिसमें ये बोल रहे थे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा। तो आपको याद आ गया होगा इस्लामाबाद में काफ़ी मतलब इसको लेकर गृहयुद्ध जैसी सिचुएशन बन गई थी, लाहौर वगैरह बहुत सारे शहर बंद हो चुके थे। तो दोस्तों ये जो मामला है ये टोटल सिक्योरिटी को लेकर लिया गया है, ये किसी को रिलीजियसली टारगेट नहीं किया गया। अगर आप इंडिया में एग्ज़ाम देते हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर आपको अगर आप कोई लॉकेट पहने हैं, मंगलसूत्र पहने हैं या ऐसी कोई चीज़ पहने हैं जिससे एग्ज़ाम की सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मतलब आप चीट कर सकते हो या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ से आप एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल जाए, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको वहाँ पर बाहर उतारनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हिजाब के साथ हुआ था, तो उसको लेकर याद है आपको न्यूज़ बनी थी कि हिजाब उतारवा दिया गया उत्तर प्रदेश में, ये हो गया वो हो गया, मुसलमानों को ऐसा मतलब ये ऐसी ऐसी बातों पर ये न्यूज़ बनाते, पाकिस्तान में ऐसी बातों पर न्यूज़ बनी है। आपको पता होगा ये अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में इनका चाहे प्राइम मिनिस्टर जाए चाहे कोई जाए, इनको नंगा होना पड़ता है वहाँ पर मुसलमानों को होना पड़ता है, क्योंकि 9/11 के बाद उन्होंने ऐसी पॉलिसी रख दी है कि वो बिना बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के बाद ही मुसलमानों को एयरपोर्ट से अंदर आने देते हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो यूट्यूब पर वीडियोस पड़े हुए हैं, पाकिस्तान का जो इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर का उसका एक फ़ोटो आ गया था जिसमें वो बिना पैंट के वहाँ पर खड़ा था, मतलब किसी ने लीक कर दिया था। इमरान खान भी हुआ होगा बिना पैंट के खड़ा, लेकिन ये इसके जो बंदे थे उन्होंने चेक कर लिया होगा कि वहाँ पर कोई कैमरा वैमरा लेकर तो नहीं खड़ा है। तो दोस्तों ये जो मामला है इस पर पाकिस्तान एक मतलब ठेकेदारी कर रहा है, और अब इस पर क्या बोलूं मैं, ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं। और ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न फिल्म देखता है, आप समझ रहे हो इतनी सी आबादी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन ये पॉर्न फिल्म भारत से ज़्यादा देखते हैं, मुझे समझ में आ रहा कैसे देखते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा देखते हैं, और सबसे ज़्यादा एनिमल पॉर्न देखते हैं वो, सब तो ठीक है एनिमल पॉर्न देखते हैं सबसे ज़्यादा,
तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ, अभी पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो साइंस की किताब है, जो बच्चों की किताबें हैं जिसमें कार्टून बने होते हैं लड़कियों के, उनको हिजाब या बुरखा पहनाएंगे जिससे ये जनरेशन बहके ना। इस तरीके की बातें कर रहे हैं आज फेसबुक और इतने इंटरनेट के ज़माने में, जहाँ पर बच्चे 10-10 साल के पबजी खेलने के साथ साथ सब कुछ देख लेते हैं, उनको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ये ज़माना ही चेंज हो गया है, आप कैसे पाबंदी लगाओगे, ये तो अब आप समझ सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।